हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों? वेलकम टू द क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ चुके हैं बेटे। आज हम आपके डाउट्स लेंगे या क्वेश्चंस करवाएंगे। आपके टॉपिक है अपना नॉमनक्लेचर। तो जितने भी आपके आईटीजेई एडवांस यूनिट के क्वेश्चंस हैं, कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में ही सारे हो जाए। ठीक है बेटा, चलो बच्चों, नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्टली इज योर एडवांस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? सिंपल है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दिस इज योर ऑब्वियसली इट इज CH3। क्लियर है? नंबरिंग कहां से करोगी? डबल बॉन्ड आ चुका है, डबल बॉन्ड की साइड से। 1 2 3 4, 3 पर क्या आ गए? 3 3 डाइमिथाइल। शाबाश, 3 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन। आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप करो। ठीक है, चलो टाइम सेव करो। हाँ, किसी में कोई डाउट हो पूछ लेना मेरे से। नेक्स्ट बेटे, आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड ये है बेटे। नाउ इसको चेन में तो नहीं लेंगे ना, क्या ये बेंजीन? ये क्या है? एसिड क्लोराइड। तो क्या नाम होगा इसका बेटे? बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। यदि आप इसको चेन में ले लेते तो क्या नाम लिखते? ऑयल क्लोराइड। ध्यान करो सफिक्स, ठीक है? चले आगे। ओके, हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आईटी के चल रहे हैं, एडवांस क्वेश्चन है पहले ये, ठीक है? हाँ जी, कर लेंगे। बोलो नंबरिंग कहां से करोगे? राइट साइड से। 1 2 3 4 5, नाम क्या होगा? What should be name? Pent 2 in oic acid. This is your terminal functional group. Yes, sir. No need to write their position. ध्यान रखो बेटे, terminal functional group के लिए position लिखने की जरूरत नहीं है। लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। तो नाम क्या होगा इसका? यहां से numbering शुरू करेंगे, Pent 2 in oic acid. ठीक है, चलिए next question. हाँ जी, दिस इज यू हैव टू सिलेक्ट फर्स्टली लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए बेटे रूल यही है, सिलेक्ट दैट चेन विच कंटेन आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इट मे बी शॉर्ट, ध्यान रखना है, वो शॉर्ट हो सकती है, जरूरी नहीं है। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से नंबरिंग क्यों की बेटे हमने? 1 2 3 4 5 6 मिलता है यहां से नंबर, ऑब्वियसली ये 3 पर क्या ये मिथाइल। ये क्या है? इथाइल। 1 2, तो किसको लिखोगे पहले? 3 5 6 डाई इथाइल, 3 मिथाइल डेक, 4 इन। एनी डाउट? नो। चलिए नेक्स्ट बेटे, द फंक्शनल ग्रुप विच इज फाउंड इन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड NH2 ग्रुप। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं बेटे? विच हैव व्हाट? वन कार्बोक्सिलिक एसिड। जरूरी नहीं है बेटे, अमाइनो एसिड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, बेसिक अमाइनो एसिड्स एंड एसिडिक। न्यूट्रल क्या होते हैं? जहां दोनों इक्वल हो। एसिडिक क्या होंगे बेटे? जहां ये ज्यादा हो, यानी 2 हो, और बेसिक में ये 2 ये 1। तो न्यूट्रल में 1 1, बेसिक में 1 2, एसिडिक में 2 1। क्लियर है? चलो अब एक बार बेटे देखो, क्वेश्चंस को जैसा तुम्हारा पूछा गया है मैं वैसे ही लिख रहा हूं बेटे, एक्सपेंड नहीं कर रहा हूं इसको। तो समझने की कोशिश किया करो कि CO ग्रुप क्या है।
पहले आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स कंप्लीट, सी एस थ्री ये लीजिए, सी ओ डबल बॉन्ड हो, यहां ओ सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री, क्लियर है? वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, राइट से करोगे लेफ्ट से? लेफ्ट से, ठीक है। थ्री मिथाइल ब्यूटेनॉल, नो नीड टू राइट टू, ठीक है ना। यहां वैसे लिखना पड़ेगा बेटे, लिख सकते हैं, क्योंकि देखो फंक्शन ग्रुप को तो हो सकता है कि ऑप्शन में मिले ब्यूटेन थ्रियोन, यस बिल्कुल है बेटा, है ना। तो नाम क्या है इसका, वन टू थ्री, दैट इज थ्री मिथाइल ब्यूटेन टू ऑन, ओके। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे मिक्स करेंगे आते जाएंगे। साइक्लिक कंपाउंड आ गए बेटे, साइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग कहां से करनी है? ऑब्वियसली चाहे देखो कोई भी हो बेटे, वेदर यू आर ऑपन चेन और साइक्लिक, नंबरिंग तो वहां से करोगे ना जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलेगा। साइक्लिक में स्टार्ट ही यहां से करनी पड़ेगी हमें, वन टू थ्री या वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री थ्री, थ्री पर क्या आ गया, क्या लिखोगे, थ्री थ्री डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन वन ऑल, एनी डाउट? चलिए ठीक है नेक्स्ट। हाँ जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी साइक्लिक ही आ गया आपका, बी आर सी एल, नंबरिंग मुझे यहां से करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना, वन टू थ्री, क्या नाम रखोगे, यस थ्री ब्रोमो वन क्लोरो साइक्लो हेक्स वन ई, ठीक है, दैट इज योर थ्री ब्रोमो वन क्लोरो साइक्लो हेक्स वन ई, एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका, ये एल्केन से ही पूछ लिया, ये समझ रहे हो नहीं क्या चीजें हैं? कितने कार्बन हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, बोलो यहां ये क्या शो कर रहा है, डाइमिथाइल, ये इथाइल, नंबरिंग वन टू थ्री फोर, किसको पहले लिखोगे, थ्री इथाइल, फोर फोर डाई मिथाइल एंड हेप्टेन, एनी डाउट? चलो द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, आपसे पूछता है बेटे प्रायोरिटी ऑर्डर क्या क्या है, ये आपको दे रखा है सी एच ओ सी ओ ओ एच एस ओ थ्री एच सी ओ एन एच टू, बताइए बेटा सबसे पहले क्या आएगा आगे, कार्बोक्सिलिक या सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक है, फिर सल्फोनिक, फिर सी ओ एन एच टू, और फिर कर पाएंगे श्योर? चलो आई पी एस सी नेम ऑफ नियोपेंटेन, नियोपेंटेन का क्या फॉर्मूला है, डू यू नो दिस, स्ट्रक्चर बता सकते हैं, टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन, टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन राइट आंसर, दिस इज योर नियोपेंटेन, वन टू थ्री टू टू डाइमिथाइल एंड प्रोपेन, ठीक है बेटा। चलो तो बेटा ये थे आपके बच्चों आई टी एडवांस और मेन के क्वेश्चंस, ठीक है, हर बार आता नहीं ना बेटा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर से, ठीक है। नाउ नेट के क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में बेटे अब की बार कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, पहले 19 भी करते हैं, ठीक है। सी एस थ्री सी एल एंड दिस इज योर NO2, नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से पूरा सभी को क्या मिले, छोटा नंबर मिले, यहां से करूं तो वन थ्री
फोर, यहां से करूंगा तो वन टू फोर, कौन सा करें? ठीक है, कर लेंगे नाम। क्या करोगे बेटे? ये क्लोरो, ये मिथाइल, ये नाइट्रो। सबसे पहले किसको लिखोगे? अल्फाबेटिकली दिस इज वन क्लोरो, टू मिथाइल, फोर नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट बेटे, नंबरिंग कहां से करोगे? माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर व्हाट? प्रीफिक्स। और डबल बॉन्ड को बेटे प्रेफरेंस देनी है एज कंपेयर टू प्रीफिक्स। तो नंबरिंग कहां से सिलेक्ट करेंगे? वन टू थ्री फोर फाइव, या वन टू थ्री फोर सिक्स, क्या लेंगे हम? थ्री और फाइव। ठीक है, नाम लिख सकते हैं। ये क्या है? कौन सा ग्रुप आ गया? OCS3 मिथ ऑक्सी, क्या ग्रुप है? मिथॉक्सी। तो फाइव पर क्या आ गया? मिथॉक्सी। थ्री पर क्या आ गया? नाइट्रो। साइक्लो हैग्स वन इन, बोलो। ठीक है, चलिए बेटे नेक्स्ट। सी एच ओ बी आर, कहां से करेंगे नंबरिंग स्टार्ट? कहां से बेटे? यहां से। अरे मूर्खो, ये सी एच ओ है मेरे बेटे। अरे बच्चों, ऐसे देखो, गलती क्यों कर रहे हो? इतना आसान क्वेश्चन है ये, देखो भाई। आप इसको यदि यहां लिख देते तो यहां से करते, इसको ऊपर लिख दिया तो इसको बाहर निकाल दिया, यूं ना करो बेटे। तो नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री पर ब्रोमो, टू पर मिथाइल पेंटेनल, थ्री ब्रोमो टू मिथाइल पेंटेनल, बोलो। नेक्स्ट 2018 बी आर ओ सी एस थ्री, दिस इज अ स्पेशल केस। ध्यान से, एरोमेटिक कंपाउंड्स का बेटा ये एक स्पेशल केस है, रूल है, मैं आपको याद दिला रहा हूं। क्या है ये रूल? जब यदि कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जो स्पेशल नाम से जाना जाता हो, जैसे नाइट्रोबेंजीन इज नॉट अ स्पेशल नेम, ब्रोमोबेंजीन इज नॉट अ बट एनी सोल इज अ स्पेशल नेम। क्या है बेटे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे मैंने यहां सी एस थ्री लिख दिया तो इसको क्या बोलते हैं? टॉलविन बोलते हैं। यहां मैंने ओ सी एस थ्री कर दिया तो एनिसोल बोलते हैं। तो ऐसे केस में वहीं से आप नंबरिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव ब्रोमो, टू नाइट्रो एनिसोल। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटे। नाउ बेटे इसमें आ गए दो फंक्शनल ग्रुप, कीटोन ऊपर आता है या अल्कोहल? अल्कोहल, बोलो अल्कोहल। कीटोन पहले, एल्डिहाइड है, ध्यान करो, एल्डिहाइड के बाद कीटोन है और कीटोन के बाद अल्कोहल है। तो नंबरिंग आपको यहीं से शुरू करनी पड़ेगी। इसके बाद किसको नाम नंबरिंग दोगे? डबल बॉन्ड को या ओएच को? नो बेटा नो, अब ये क्या बन गया? बोल जाओ अब इसको, अब किसको देखना है? ध्यान रखो, वन टू थ्री फोर फाइव। अब OH के लिए बेटे ऑल नहीं लिखना, अभी क्या बन चुका है? प्रीफिक्स बन चुका है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? फाइव हाइड्रोक्सी साइक्लो हैग्स थ्री इन ड्रॉप लास्ट ई, बोलो क्यों? वॉल से स्टार्ट होता है आपका सफिक्स ए ई आई ओ यू, तो बेटा एन इन और आइन का लास्ट ई आपको ड्रॉप करना है, माइंड इट, बोलो। yes, चले ठीक है, अब आ जाते हैं बेटे 2017 से सारे।
हाँ जी बच्चों आओ बेटा, ये देखा करो कि लिखा कैसे जा रहा है। जैसा कि आपको बुक में दिया हुआ है, मैं बिल्कुल सेम रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप आ गए आपके, एक क्या है एल्डिहाइड, एक क्या है ऊपर कौन आता है एल्डिहाइड ऊपर आएगा बेटे, क्लियर है। ये क्या माना जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, ये क्या माना जाएगा प्रीफिक्स। तो ऑब्वियसली नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या है बोल दो, क्लाइन है सर मिथाइल, क्या है ये बोलो मिथाइल। अब इसके लिए क्या लिखोगे, कीटो लिखो या ऑक्सो, दोनों ही नाम ठीक है, आइदर यू कैन राइट कीटो और ऑक्सो। तो नाम क्या लिखोगे, 3-कीटो, 2-मिथाइल हेक्सेनल। ओके बेटे, 4-ईन, क्या हुआ बेटे, अच्छा अच्छा हेक्स 4-ईन अल, ठीक है। यदि आप ऑक्सो लिखते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2-मिथाइल 3-MnO, ओ बाद में आ जाएगा, बाकी सारा सेम, दोनों ही नाम इसके ठीक है बेटे। मोर देन वन ऑप्शन आता है बच्चों, दोनों ठीक करोगे बोलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटे, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी पूछ लिया, OH कीटोन है, NH2 है और ये एल्डिहाइड है, बोलो सबसे ऊपर कौन, फिर कीटोन, फिर एल्कोहल, फिर NH2। नंबर वन दिस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी दिस इज कार्बन, 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4 राइट साइड से, ताकि इसको छोटा नंबर मिले, क्लियर है बेटे। 1, 2, 3, 4 1 bromo but 2 in। चलिए शाबाश, सो सिंपल क्वेश्चन, CH3, CH2, CH2, CN बोलो क्या है, शाबाश बोलो, कौन सा है फंक्शनल ग्रुप, साइनाइड। तो साइनाइड के लिए क्या लिखते हो, नाइट्राइल, क्या लिखते हैं नाइट्राइल, तो क्या नाम हो गया पेंटेन नाइट्राइल, क्लियर है, क्लियर है। चलो बढ़े आगे, ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चों क्वेश्चन, ठीक है ना, सारे करोगे ना, शाबाश। ये आ गया बेटे, ठीक। अब समझना है आपको भाई क्या है सिस्टम, क्या है कार्बन 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 कार्बन, समझ रहे हो ना, बस नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से करेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 पर क्या आ गया एल्कोहल, ठीक है। कैसे लिखेंगे, बाहर कौन कौन हो गया, 3-3-5 ट्राई मिथाइल, शाबाश, हैग्स 1-ईन 2-ऑल, एनी डाउट, चलो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिक एसिड एंड कीटोन, नंबरिंग कहां से करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोलो, 5-कीटो हेक्सेनोइक एसिड, क्लियर बेटे, या 5-ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, दोनों ही नाम ठीक है। नेक्स्ट,
सी एस थ्री थ्राइस सी सी एस टू सी सी एस थ्री थ्राइस शाबाश चलो नाम लिखो अपने आप डू फास्ट हरी अप ओपन करेंगे ना ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू टू पर दो मिथाइल फाइव फाइव पर तो टू टू फाइव फाइव टेट्रा मिथाइल हेक्सेन ओके बेटा चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स डज नॉट फिट अ रियल नेम ये देखो थ्री मिथाइल हेक्सेन थ्रियोन फोर मिथाइल हेक्सेन थ्रियोन थ्री मिथाइल हेक्सेन थ्री ऑल ठीक है फिर टू मिथाइल साइक्लो हेक्सेनॉन ए फिट नहीं हो रहा कैसे हेक्सेनॉन कर लिया कितने पर थर्ड पर थर्ड पर ही मिथाइल ग्रुप नहीं आ सकता कितने बॉन्ड हो जाएंगे पांच बॉन्ड दैट इज नॉट पॉसिबल कर लेंगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे रिपीट हुआ है ठीक है आइसो प्रोपाइल अमाइन का आईपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है सबसे पहले बेटे आपको आइसोप्रोपाइल पता होना चाहिए क्या है दिस इज योर प्रोपेन यदि आप यहां से मेन चेन से जोड़ते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है प्रोपाइल यदि आपने मेन चेन से यहां से जोड़ा तो आइसोप्रोपाइल या मेन चेन जुड़ी हुई से वन टू मिथाइल इथाइल नहीं आया समझ में ठीक है हाँ जी बेटे आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये हुआ और यहां मैंने क्या लगा दिया एनएस टू आपसे इसका बेटा आईपीएसी नेम पूछ लिया क्या बताओगे टू बेटे प्रोपेन टू अमाइन टू अमाइन प्रोपेन नहीं इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो सफिक्स क्या आना चाहिए एन इन आइन के बोलो बाद में आना चाहिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बेटा द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या है बेटे व्हाट इज द आइसोब्यूटाइल ग्रुप बताऊं एक बार सारे देखो मेन चेन से यहां जुड़ते हो तो क्या नाम दोगे इसको ब्यूटाइल मेन चेन से यहां से जुड़ते हो तो आइसोब्यूटाइल बोलो बेटा जी ये ग्रुप होता है आइसो जब एक कार्बन के साथ दो सी एस थ्री ग्रुप जुड़े हो दैट इज कॉल्ड आइसो क्या यहां ऐसा है ये कौन सा कार्बन है सेकेंडरी तो इसका नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अब यहां जाओ यहां मेन चेन से जुड़ा हुआ है अब ये कौन है आइसो ब्यूटाइल क्यों ये देखो कौन सा ग्रुप आ गया आइसो ग्रुप और एक कार्बन टोटल कितने कार्बन हो गए चार क्या नाम होगा इसका अब आइसो ब्यूटाइल ठीक है ऐसे हो यहां मेन चेन से जुड़ा हुआ है क्या नाम रखोगे इसका अब कॉमन नेम कितने कार्बन कैसा कार्बन क्या नाम हो गया टर्शरी ब्यूटाइल क्लियर है चलो
आपसे पूछ लिया बेटा थ्री इथाइल टू हाइड्रोक्सी फोर मिथाइल हैग्स थ्री इन फाइव आइन ओइक एसिड का स्ट्रक्चर। कोई बात नहीं, बना के देखो, शाबाश, डू योरसेल्फ। हैग्स हो गया, हैग्स बेटे देखो कहीं से नंबरिंग करो, नंबरिंग थोड़ा कहीं मर्जी आपकी। मैंने देखो सबसे पहले आप ऐसे कर लिया करो, थ्री पर इथाइल सी टू एच फाइव, टू पर हाइड्रोक्सी ओ एच, फोर पर मिथाइल हैग्स थ्री इन, फाइव पर आइन एंड ऑइक एसिड। आया क्या समझ में? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे रिपीट हो चुका है, आ लिया पहले, हम कर चुके हैं, ठीक है। हाँ जी देखिए बेटा, व्हाट द आईयूपीएसी नेम? दो फंक्शनल ग्रुप है, एक साइनाइड और एक कीटोन। टॉप पर कौन आता है? तो नंबरिंग ये लेना पड़ेगा चेन में आपको, वन टू थ्री फोर फाइव, ये क्या है? दो, तो टू टू डाई मिथाइल फॉर ऑक्सो, ठीक है, एंड पेंटेन नाइट्राइल। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट देखिए, सी एस थ्री सी एच सी सी एस टू सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री। लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग लेफ्ट से, वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री पर क्या आ गया? क्या नाम हो गया? शाबाश, थ्री इथाइल हैग्स टू इन। नेक्स्ट सी एच थ्री सी एस टू फोर सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस टू टू सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री। कर लेंगे इसको ओपन, ऐसे ऐसे कितने ग्रुप आ गए? चार बीच में, तो वन फाइव हो गया अभी यहां पे। बोलो यहां पर देखो, इधर सी एस टू सी एस टू, क्लियर बेटे? तो पांच छ सात आठ नौ दस, नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर आगे बेटे कितने हैं? पांच, तो इसको मैंने नंबर टेन दे दिया। क्या हुआ? फोर इथाइल फोर फाइव डाई मिथाइल डेकेन। ओके चले नेक्स्ट, आसान है बेटे, छोड़िए इसको, ऐसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी बेटे आ चुका है पहले ही, रिपीट हो लिया बेटे। हाँ जी ये देखो बेटा, सी एस थ्री सी एस टू ओ सी एच सी एस थ्री ट्वाइस और बोलो किसको दोगे? यहां देखो कौन है ये? कीटोन, वन टू थ्री फोर। एल्कोहल अब क्या काम आएगा? प्रीफिक्स, क्या नाम दोगे? हाइड्रोक्सीन, फोर हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ऑन, यहां जाओ। हाँ बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेते हैं, थोड़ा सा बेटे टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, चलिए करो इसको क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? सी एस थ्री सी एस टू ओ सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री, ठीक है।
तो वन टू थ्री, टू पर क्या था? टू इथोक्सी प्रोपेन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सिंपल, ठीक है। हाँ जी, क्या लिखेंगे इसका नाम? ये आपका चेन माना चाहिए, डबल बॉन्ड है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। लॉन्गेस्ट ये लग रही है या और कोई है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। आप कौन से लेंगे, यही तो देखना है आपको। वन टू थ्री, यहां ना आओ बेटे, फोर फाइव सिक्स। क्यों? जब आपने ये चेन सेलेक्ट की है तो मेरे पास दो साइड चेन मिल गई। yes, समझ रहे हो ना, यही अपना रूल है। तो बेटा क्या नाम रखेंगे इसका? फोर पर इथाइल, थ्री पर प्रोपाइल। तो फोर इथाइल थ्री प्रोपाइल हैग्स वन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सी एस थ्री सी एच ओ एच सी ओ एच, फटाफट जल्दी बोलो। बेटे वन कहां से? टू हाइड्रोक्सी, वन टू थ्री, टू पर हाइड्रोक्सी, टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट बेटा सी एस थ्री सी एच सी टू एच फाइव सी फोर एच नाइन सी एस थ्री सी एस थ्री। क्या करेंगे इनको पहले खोल लो बेटा। चार नौ यानी एक दो तीन चार, ठीक है। इसको भी ओपन कर लो, वन टू, देखो लॉन्गेस्ट ये बन गई ना। yes, sir. बोलो। yes, sir. ठीक है। नंबरिंग कहां से करोगे? इधर से, वन टू थ्री फोर, थ्री फोर फोर ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, क्लियर है? थ्री फोर फोर ट्राई मिथाइल ऑक्टेन इज योर आंसर। बेटा नियोपेंटेन में आपसे पूछता है कितने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वार्टरी कार्बन है। प्राइमरी कितने हैं? फोर, सेकेंडरी जीरो, टर्शरी जीरो, क्वार्टरी वन, ओके। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड, वन टू थ्री फोर, क्या नाम होगा? बोलो बोलो। ब्यूट, थ्री इन वन ओइक एसिड या खाली ओइक एसिड। तो ब्यूट थ्री इन ओइक एसिड, ध्यान क्या रखना है? इन का लास्ट ई ड्रॉप करना है, ओके। चलिए हाँ जी बेटा, पी एच सी एस टू सी ओ ओ एच, पी एच क्या है आपका? फिनाइल। नंबरिंग कहां से करोगे? वन टू, टू पर क्या आ गया? टू फिनाइल, बोलो बोलो, इथेनोइक एसिड, टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। चले नेक्स्ट, इतना आसान है, बोलो क्या है? टू थ्री डाई मिथाइल पेंटेन। चलिए हां जी बेटे, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एस ब्यूटाइल फिनाइल विनाइल एंड मिथेन। बेटे आईपीएससी नॉमन क्लेचर या कोई भी क्वेश्चन हो बेटे, पहले खुद सॉल्व किया करो ऑब्जेक्टिव में,
ठीक है ना, मीथेन, ये कॉमन नेम हो गया अब आपका। देखो मीथेन ये रहा, एच 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 लिखते हैं तो मीथेन है। अब मीथेन के साथ तीन ग्रुप जुड़ गए, एक विनाइल, एक फिनाइल और एक सेकेंडरी ब्यूटाइल। बोलो फिनाइल ये लो जोड़ दिया। विनाइल ग्रुप क्या है? बोलो बोलो बोल गए बोलो बेटा, ये ग्रुप है आपका विनाइल, याद करो बेटा इनको, ठीक। सेकेंडरी ब्यूटाइल अभी बताया था, दिस इज योर सेकेंडरी ब्यूटाइल और यहां पर एच, तो क्या हो गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिनाइल, विनाइल और एक कार्बन है मीथेन, बट इट इज नॉट योर आईपीएसी नॉमनक्लेचर, ध्यान रखना बेटे, ठीक है। चलिए बढ़िया आगे, सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। बोलो नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से नंबरिंग मिला 2 3 4, यहां से मिला 1 2 3, कहां से करोगे? राइट right. क्या लिखेंगे? पेंट, पहले किसको लिखोगे? पेंट थ्री इन वन आइन, लास्ट ई ड्रॉप कर देना है, ध्यान रखना। ये कब होगा? जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इकट्ठे आते हो, रूल याद करो, ठीक है। ओके बेटा, हाँ जी, नंबरिंग कहां से करेंगे? राइट से, 1 2 3 4 5, बोलो 4 ट्राइमिथाइल पेंट टू इन, 2 पर मिथाइल, 4 पर 2 मिथाइल, 2 4 4 ट्राई मिथाइल पेंट टू इन, क्लियर है? ओके बेटे, मैं जब आंसर बोलू ना तब तुम ना बोला करो, ठीक है ना, ताकि जो बच्चे बाद में लेक्चर देखें उनको साफ साफ आंसर मिल जाए। पहले तुम ट्राई कर लिया करो, कोई इश्यू नहीं है, आगे बढ़िए बेटा। आपसे पूछ रहा है बेटे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी कार्बन। प्राइमरी बोलिए, 1 2 3 4 5, तो 5 क्या हो गए? प्राइमरी। बोलो ठीक है। सेकेंडरी, दिस वन सेकेंडरी, टर्शरी स्टार टर्शरी, क्वार्टनरी वन, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बेटा, एनओ टू एफ सी एस थ्री, नंबरिंग 1 2 3 4। बोलो बेटे, 1 फ्लोरो है ना? हाँ जी बेटे, देखो बेटे 12, हाँ वो भी नाम ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन आता तो वो भी ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। पहले इसका नाम करते हैं 1, क्योंकि ऑप्शन जो दे रखा है बेटे आपको, एक्चुअली आंसर बेटे ऑप्शन के हिसाब से देखना है। अब 4 आंसर हैं, उसमें कहीं भी टॉलविन नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हम टॉलविन को प्रेफर अब नहीं करेंगे, अब हमें प्योरली आईपीएससी नॉमनक्लेचर को फॉलो करना पड़ेगा, देखते हैं। तो मैंने क्या देखा है, अब टॉलविन नहीं लिखा, तो अब नंबरिंग दे दो सबको, जब उस टाइम नंबरिंग देखनी होती है स्पेशल ग्रुप में तो उसी को नंबर 1 देना होता है। अब स्पेशल नेम नहीं दे रखा ऑप्शन में तो बेटा जनरल रूल लगाओ, 1 2 3 4, 1 पर फ्लोरो, 1 फ्लोरो, 4 मिथाइल, 2 नाइट्रो बेंजीन। बोलो ठीक है। चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 ट्वाइस कर लेंगे, मतलब इस कार्बन के साथ
नंबरिंग कहां से करेंगे? लेफ्ट साइड। वन टू थ्री फोर, बोलो जल्दी। थ्री मिथाइल ब्यूट वन इन। ठीक है, थ्री मिथाइल ब्यूट वन इन। बढ़िया, आगे समझ में आ रहे हैं? यस सर। चलो बोलो, सोच लो तब तक। ठीक है, चलिए शाबाश, दोनों का नाम सोचो, मैं भी लिख देता हूं बेटा। फोर, ये एक क्वेश्चन पहले आ चुका है शायद, चलो कोई नहीं, ध्यान नहीं मुझे बेटा। हाँ भाई, आदित्य वीर नेम। वन थ्री ब्रोमो पेंटेनल। थ्री ब्रोमो पेंटेनल, यस। थ्री ब्रोमो टू मिथाइल पेंटेनल, यस। थ्री ब्रोमो टू मिथाइल पेंटेनल। थ्री ब्रोमो टू मिथाइल पेंटेनल। वन टू थ्री फोर फाइव। अब इसको क्यों भूल गए? क्या सोचा? एक लाइन थी, क्या ये सी एस थ्री ग्रुप, दिस इज व्हाट, थ्री ब्रोमो टू मिथाइल पेंटेनल। क्लियर है? यहां जाओ नंबरिंग इधर से, वन टू थ्री फोर। बोलो, थ्री पर, टू पर कौन सा एसिड? ब्यूटेनोइक एसिड। यहां देखो, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग सेम मिल रही है दोनों साइड से, आप छोटा नंबर किसको दोगे? डबल बॉन्ड को। वन टू थ्री फोर, क्या हो जाएगा? ब्यूट वन इन थ्री आइन। क्लियर है? यहां पर वन वन टू थ्री या वन थ्री थ्री, बोलो कौन सा करोगे? वन वन और थ्री, ये लिखते वक्त पहले किसको लिखोगे? बोलो बोलो, अल्फाबेटिकली यानी थ्री इथाइल, वन वन डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। एनी डाउट? चले चलो, मैं चार क्वेश्चन फिर लिख रहा हूं, तुम खुद ट्राई करो। चलिए शाबाश, डू फास्ट। हां जी, फर्स्ट रेना बोलो। फोर कीटो टू थ्री डाई मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। हाँ, ये भी तो भूल गए, फोर कीटो। नेक्स्ट बेटा, टू थ्री डाई मिथाइल पेंट टू इन ओइक एसिड। बोलो। यस सर। यस, टू क्लोरो टू मिथाइल। ओपन करेंगे कार्बन के साथ, क्या है? तीन सी एस थ्री ग्रुप और एक क्या है? सी एल। वन टू थ्री, टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन। चलिए इस पर आइए, नंबरिंग कहां से करोगे? राइट साइड। राइट, वन टू थ्री फोर फाइव। बोलो, टू मिथाइल पेंटेन टू फोर डाई ऑल। नाउ डोंट ड्रॉप दिस लास्ट ई, बिकॉज अब क्या आ गया? डी आ गया, ध्यान रखना। चले आगे, कोई डाउट? चलो
करो अपने आप। टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड का आईपीसी नेम, एनिसोल का एनिसोल का आईपीसी नेम, ठीक है। एंड आई थिंक ये क्वेश्चन पहले आ लिया शायद, चलिए कोई बात नहीं। एंड लास्ट है ठीक है, चलो बेटा ये आपके बेटे लास्ट पांच क्वेश्चन है आज के, शाबाश। डू फास्ट, हरी अप करो। इसमें फंक्शन करो मेन नंबरिंग 1 2 3 4 बोलो। थ्री क्लोरो ब्यूटेनल, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड का आईपीएसी नेम, पहले क्या लिखोगे, ये कौन है टर्शरी ब्यूटाइल, यहां पर क्या लगा दिया आयोडीन, 1 2 3 टू आयडो, टू मिथाइल प्रोपेन, गलत कर दिया ना, तो टू आयडो टू मिथाइल प्रोपेन। एनिसोल क्या होता है, दिस इज मिथोक्सी बेंजीन, मिथोक्सी बेंजीन। यहां नंबरिंग यहीं से शुरू करनी पड़ेगी, 1 2 3 बोलो, 1 3 3 ट्राई मिथाइल साइक्लो हैग्स वन इन, ठीक है। हेयर 1 2 3 4 5 टू पर मिथाइल, थ्री पर इथाइल, पहले किसको लिखोगे, थ्री इथाइल टू मिथाइल पेंट वन इन, एंड आउट। मजा आया, चलो तो बेटे आज अपना आईपीएस नॉमेनक्लेचर के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ओके कीजिए। कल हम लेक्चर में लेंगे आपका टॉपिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी बी हेल्दी, थैंक यू बेटे, अच्छी तरह पढ़ाई करते रहे, थैंक यू।